नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। तो आज मैं बनाऊंगी फ्राइड राइस, बिल्कुल सिंपल और माइल्ड फ्लेवर वाली, जिसे बनाना बहुत आसान है, हर कोई बना सकता है। और इस फ्राइड राइस को ना आप मटन, चिकन, पनीर, दाल मखनी के साथ खाएंगे ना तो बहुत ही मस्त लगेगी। तो आप एक बार ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस रेसिपी को कैसे बनाते हैं सिंपल से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, चावल को धो लेंगे। तो यहाँ पर मैं ये देखिए बांस कटी या देहरादून राइस जो भी मिले आपके पास, जो अवेलेबल हो, तो ये हम बांस कटी चावल लिए हैं, तो 4 कप ले लिए हैं। तो मेंबर के हिसाब से आप कम या ज़्यादा ले सकते हैं। और उसके बाद इसमें पानी डाल दें और पानी डाल के इसे धो लें 2-3 पानी अच्छे से, फिर उसके बाद इसे छान लें। तो चावल को पहले से धो के रखने से चावल जो है ना थोड़ा फूल जाता है, तो इसे अब हम साइड में रख देंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, गैस पर एक बर्तन में पानी चढ़ा देंगे और इसे ढक देंगे गर्म होने के लिए। और फिर इधर हम क्या करेंगे, एक सूती का कपड़ा लेंगे जिसमें 2 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची, 4 छोटी इलायची और 5-6 लौंग डालकर इसका एक हम पोटली बना देंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से हम पोटली बना रहे हैं, तो इसी तरीके से आप पोटली बना लें। और उसके बाद जो पानी गर्म होने के लिए हम बैठाए हैं उसमें इस पोटली को हम डाल देंगे और इसे ढक देंगे फुल फ्लेम पर हम 5 से 7 मिनट के लिए। पानी जब उबलने लगे फिर हम इसमें चावल डाल देंगे। तो यहाँ पर पानी उबल रही है, देख सकते हैं आप। अब इस स्टेज में हम क्या करेंगे, चावल को डाल देंगे। तो इस तरीके से चावल बनाने से फ्राइड राइस में बहुत ही सुंदर, आप कुकर में भी बना सकते हैं, पर कभी कभी होता है ना कि इस तरीके से अलग तरीके से बना के खाने के लिए। तो अब हम इसे चला लेंगे अच्छे से और फिर हम इसमें क्या करेंगे, 2 बड़ा चम्मच हम घी या रिफाइन ऑयल जो भी हो आप इसमें डाल दें। और उसके बाद इसमें 2 चम्मच नमक और 1 चम्मच चीनी डालकर इसे मिला लें और फिर इसे मीडियम फ्लेम पर इसे ढककर, मैंने आधा ढककर इसे पकाएं, पूरा न ढकें, और बीच बीच में चलाते हुए इसे देखते रहें। 5 से 7 मिनट में देखिए कि चावल आपका अच्छे से पक चुका है ना। तो देखिए इस तरीके से फिर एक बार चला लें। तो अब हम यहाँ पर इसे ढकेंगे नहीं, खुला ही इसे पकाएंगे, है ना। अच्छे से उबाल आ रहा है, यहाँ पर चावल को पकते हुए 5 से 7 मिनट हो चुका है। तो एक बार हम इस चावल को चेक कर लेंगे कि चावल हमारा पका है कि नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे ना, इसे हम एक प्लेट में थोड़ी सी 4-5 दाने डाल देंगे और इसे मसल कर हम देखेंगे कि चावल हमारा अच्छे से यदि दब जाए तो मतलब पक चुका है, आप देख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें आधा नींबू का रस निचोड़ देंगे, तो इससे ना चावल एकदम खिला खिला होता है। के बाद हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक प्लेट रख देंगे और कपड़े की सहायता से इसका जो माड़ है हम पसा लेंगे, यानी चावल में का पानी हम निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से मैं इस चावल का पानी निकाल रही हूँ, इसी तरीके से आप निकाल लें गैस पर रख के या फिर किसी ऊंचे चीज़ पर के ऊपर रख कर। तो देखिए सारे पानी को हमने निकाल लिया इसमें से, इस तरीके से झटक दे और झटक कर थोड़ी सी स्टीम करके इसे 2 मिनट के लिए रख दे ताकि नीचे में जो पानी वगैरह हो वो सूख जाए। इधर मैं फ्राइड राइस के लिए थोड़ी सी गाजर कट कर ली हूँ, थोड़ी सी कैप्सिकम और थोड़ी सी किशमिश, आप हरा मटर बीन्स वगैरह भी इसमें डाल सकते हैं, और थोड़ी सी काजू और इसमें गरम मसाला जिसमें 3 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 4-5 इलायची, 5-6 लौंग, 2 तेज़पत्ता और 1 सूखी मिर्च। तो अब हम वापस से फिर गैस के पास चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर चावल हमारा कितना सुंदर हो चुका है ना, खिला खिला चावल है। तो आप इस तरीके से इस फ्राइड राइस का चावल बनाएं, बहुत ही सुंदर बनता है। इस तरीके से चावल बनाते समय ध्यान रखिए कि मतलब चावल हमारा 80% पक जाए और बाकी का 20% हम मार पसाने के बाद जो वापस से 2 मिनट के लिए रखते हैं गैस पर तो उसमें पक जाती है। चलिए वापस से हम गैस पर कढ़ाई बैठा दें। अब हम इसमें 1 चम्मच घी डाल देंगे और उसके बाद क्या करेंगे, इसमें काजू, किशमिश, इन चीज़ों को हल्का रोस्ट कर लेंगे और रोस्ट कर कर हम इसे निकाल लेंगे। अब हम उसी कढ़ाई में
एक चम्मच घी वापस से डालकर गाजर और कैप्सिकम को हम सॉटे कर लेंगे, यानी तेज स्टीम पर इसे 2 से 3 मिनट तक इसे भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन निकल जाए और इसे बाहर निकाल जाए। इसके बाद कोई भी एक पैन या छोटी कढ़ाई ले लें और उसमें जो गर्म मसाला है ना उसे डालकर हल्का 1 से 2 मिनट के लिए इसे रोस्ट कर लें, सुखाएं, तो इससे जो बहुत बढ़िया खुशबू आती है, बहुत ही टेस्टी मतलब बनती है। तो देखिए यहाँ पर हमारे ये गरम मसाला रोस्ट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसे ठंडा हो जाने के बाद सिलबट्टे पर रख कर इसे हम कूट कर इसे पीस लेंगे, या आप चाहे तो इसे मिक्सर ग्राइंडर जार में भी इसे पीस सकते हैं, तो इसका पाउडर बना लें। इसे हम गैस पर कढ़ाई बैठा देंगे और इसमें 2 बड़ा चम्मच घी डाल देंगे और फिर जो पोटली बनाकर हम गरम मसाला डाले थे ना उस गरम मसाले को हम इसे तेल में डाल देंगे, तो इसे वेस्ट नहीं करेंगे। वैसे तो इसका सारा फ्लेवर पानी में आ चुका है चावल में, और उसमें 1 टीस्पून जीरा, 2 तेज़पत्ता, 1 सूखी मिर्च डालकर इसे हम चटका लेंगे, यानी आधे सेकेंड के लिए इसे भून लेंगे। और फिर हम क्या करेंगे, इसमें इसके ऊपर से हम चावल डाल देंगे और गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। फिर हम सॉटे किए हुए गाजर, कैप्सिकम, काजू, किशमिश डाल देंगे और गरम मसाला का जो पाउडर बनाए थे उसे छीट देंगे। फिर इसके बाद हम फिर चावल डाल देंगे इसके ऊपर से, और फिर हम गरम मसाला का पाउडर और सॉटे किया हुआ गाजर, कैप्सिकम वगैरह डाल देंगे, फिर चावल डाल देंगे। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप डालकर सारे चावल को हम इसमें डाल देंगे और ऊपर से फिर हम 2 बड़ा चम्मच घी डाल देंगे, और आप इसे चाहे तो इसे मिला लें और नीचा करके, या फिर जो बर्तन में हम चावल बनाए थे ना लास्ट में जो बचा है उसे ऐसे मिला लें नीचे से, और फिर इसमें भी नीचे घी थोड़ा सा डाल दें और सॉटे किया हुआ गाजर, कैप्सिकम डाल दें, गरम मसाला पाउडर डाल के, और कढ़ाई में का जो है ना इसे इसमें ट्रांसफ़र कर लें। तो इस तरीके से हमारा ये फ्राइड राइस बहुत ही टेस्टी और माइल्ड फ्लेवर वाली बन जाती है, और बहुत ही मतलब मटन, चिकन या कोई भी मतलब सब्जी के साथ खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगती है, चना मसाला के साथ या दाल मखनी के साथ में। तो चलिए हम क्या करेंगे ना, कढ़ाई में का जो है उसे हम वापस से इसी में हम ट्रांसफ़र कर ले रहे हैं, और ट्रांसफ़र करने के बाद हम क्या करेंगे, इसे ढककर हम 5 मिनट के लिए रख देंगे। तो आप चाहें तो जो कढ़ाई में है ना उसे इस तरीके से भी आप ऐसे ऐसे पकड़ कर ऊपर नीचा कर सकते हैं। इन सारे चावल को हंडी में डालकर हम 5 मिनट बाद सर्व करेंगे। यहाँ पर 5 मिनट हो चुका, हम सर्विंग बॉल में फ्राइड राइस को निकाल ले रहे हैं। तो बहुत ही टेस्टी ये फ्राइड राइस लगती है, आप ज़रूर एक बार इस फ्राइड राइस को ट्राई करें। ऊपर से सॉटे किया हुआ गाजर, कैप्सिकम, काजू, किशमिश से गार्निश कर दें और रोस्ट किया हुआ गरम मसाला पाउडर छीट दें, और तड़के में जो सूखी मिर्च डाले थे उससे गार्निश कर दें, है ना। तो ये हमारा डिलीशियस फ्राइड राइस माइल्ड फ्लेवर वाली बनकर तैयार है। आपको यदि मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक के बटन दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स में बताएं कि कैसा बना है। अच्छा लगा तो थैंक यू।